Hello friends, this is Trupti and I welcome all of you in my beautiful channel NPC where you can learn all the concepts related to physics. Okay, and from now we are going to start a new chapter, chapter 5, laws of motion of class 11th. And this is very important chapter because this chapter say aapke board exams and competitive exam mein kaafi questions bante. Okay, so are you ready for fall in love with this subject? Yes, alright, let's start our class with the introduction and Aristotle's fallacy. Before I start the class, I want to share one more important thing, and that is आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड किए जाएंगे एंड इस चैप्टर से भी रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम लिंक पर ही मिलेंगे. सो टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर नोट्स ले सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द इंट्रोडक्शन. यू ऑल नो अबाउट द वेरियस टर्म्स इन मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने जो भी वेरिएबल्स स्टडी किए लाइक स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट के चैप्टर्स में. ओके, और इन सभी में एक बात कॉमन थी कि इसमें हमने मोशन के इफेक्ट को जाना था. ठीक है, मीन्स मोशन फास्ट है या स्लो है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है मोशन की. यहाँ पर हम मोशन के कॉज की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो कितना फास्ट है, ठीक है, कितना स्लो है, हमने सिर्फ वही चीजें देखी थी. कॉज ऑफ मोशन नहीं देखा था इन अवर प्रीवियस चैप्टर. ओके, यहाँ आज के लेक्चर में, आज के हमारे न्यू चैप्टर में हम कॉज ऑफ मोशन ही स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, कॉज ऑफ मोशन मीन्स आपको पता है कि मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, बट मोशन किस कारण हो रहा है. ओके, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी यू से मोशन कर रही है. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वी से इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पे आपका बॉडी आ गया. ठीक है, यहाँ पोजीशन चेंज होके इस पोजीशन पे आ गया. नाउ इस चेंज का, इस मोशन का जो कॉज है वो क्या है. ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स एग्जर्ट किया, देन बॉडी मूव करेगी. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज द कॉज विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, फोर्स एक ऐसा कॉज है जो कि बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देती. ठीक है, मीन्स इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर दिया यहाँ पर. ठीक है, किसके कारण, फोर्स के कारण, हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, इसी कारण से चेंज हुआ मोशन. ठीक है, तो हम यहाँ इस पूरे चैप्टर में फोर्सेस की ही बात करेंगे. फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, फोर्स की डिटेल्ड स्टडी करेंगे. सो बेसिकली फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, और भी कई सारे टाइप्स होते हैं फोर्स के, बट हमें आज के हमारे चैप्टर में, आज के हमारे लेक्चर में हम ओनली टू फोर्सेस डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, वो भी डिटेल्ड नहीं. ठीक है, अभी मैं सिंपली आपको बता दूंगी कि क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं फोर्सेस में. सो देर आर टू फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये थ्री फोर्सेस आते हैं. एंड इन थ्री फोर्सेस में हमें ये जो दो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये दो ट्वेल्थ क्लास में स्टडी करना है. ओके, यहाँ ओनली हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और वो भी सेपरेट चैप्टर है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो बॉडी के बीच में लगता है, ठीक है, वो हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे आने वाले चैप्टर में. यहाँ हम इस चैप्टर में बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. ठीक है, जितने भी फोर्सेस हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में या फिर आने वाले लेक्चर में, वो होंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, लाइक टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, इन सभी फोर्सेस का वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. सो ये है आपके कॉन्टैक्ट फोर्स. क्लियर है? नाउ एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने एक फैलेसी दी. ठीक है, मीन्स एक उनका भ्रम था. उन्होंने ये कहा, बॉडी जब मोशन करती है तो बॉडी की टेंडेंसी ये रहती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर रेस्ट में आ जाती है. ठीक है, मीन्स बॉडी का ऐसा नेचर होता है कि मोशन करने के बाद में एक पॉइंट पर वो रेस्ट में आ जाता है. ठीक है, बट एरिस्टोटल की जो भ्रम है, उन्होंने फैक्ट नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपनी थियोरी बताई है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो ऑटोमेटिकली रेस्ट में आ जाएगी. बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो एरिस्टोटल ने नहीं बताया. इसी फैलेसी को ऑब्जर्व करके गैलीलियो ने कुछ फैक्ट्स दिए. उनका कहना था कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो ऑटोमेटिकली रेस्ट पर नहीं आ सकती, कुछ ना कुछ रीजन होगा जिसके कारण वो रेस्ट में आ रही है. ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इंक्लाइंड प्लेन का. ठीक है, उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन लिया और उस इंक्लाइंड प्लेन में एक बॉल को मोशन करवाया. ठीक है, पहले बॉल को ऊपर से नीचे मोशन करवाया. ठीक है,
यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवाया तो बॉल इजीली मूव कर गई, ठीक है, नीचे आ गई और बॉल की स्पीड भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ तो गैलीलियो सही साबित हो गए कि यहाँ पर बॉल न तो रेस्ट में जा रही है, ठीक है, मीन्स एरिस्टोटल की फैलेसी को उन्होंने गलत साबित कर दिया। उन्होंने साबित किया कि जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रही है, ठीक है, ये फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन का जो एग्जाम्पल दिया उसके थ्रू। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें ये किया इंक्लाइन प्लेन में कि आप का जो बॉल है वो नीचे साइड है, अब नीचे से आपको बॉल को ऊपर ले जाना है, ठीक है, अब नीचे से आपने फोर्स दिया देन ऊपर। तो गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि बॉल की स्पीड धीरे धीरे चेंज हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और एक टाइम पे बॉल रेस्ट में आ रहा है। तो यहाँ एरिस्टोटल सही थे, यहाँ पर गैलीलियो ने सोचा कि ये किस कारण होता है, ठीक है, ये इसका रीज़न क्या है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो धीरे धीरे रेस्ट में आ रही है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। ओके, तो गैलीलियो फाइनली एक पॉइंट पर पहुंचे, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो धीरे धीरे रेस्ट में आ जाती है, मीन्स उसका जो स्पीड है वो स्लो होता जाता है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन अगर आपने जैसे इंक्लाइन प्लेन लिया है और इसका जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस भी किसी बॉडी पर फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये जो बॉल है उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, ठीक है, यहाँ पर अब ये जो सरफेस है ये बॉल पर फोर्स लगाएगा और उसका जो फोर्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो सरफेस जो फोर्स लगाएगा मीन्स फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और ऑपोजिशन के कारण बॉल की स्पीड स्लो होती जाएगी और एक टाइम पे वो रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक फैक्ट है, यही एक रीज़न है जिसके कारण मोशन करती हुई बॉडी रेस्ट में आ जाती है, या हम इसका ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, रेस्ट में अगर रखी हुई बॉडी है वो मोशन में आ जाती है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए ओनली इंट्रोडक्शन एंड एरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विद एनपीसी, एंड अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।